दोस्तों, आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्मयोग। इससे पहले हमने भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग को पढ़ा था। कर्म तो हर समय हम सब करते हैं, ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें हम कर्म को किए बिना रह सके। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्म कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर वे कौन से ऐसे कर्म है जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाते हैं? इसी कर्म योग को श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं। आइए पढ़ें। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? श्री कृष्ण ज्ञान को कर्म से अच्छा बताते हैं, तो उस स्थिति में ये प्रश्न उचित लगता है कि फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म अर्थात युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो वह तो अर्जुन श्री कृष्ण से प्राप्त कर ही रहे हैं, तो अपनों की हत्या करने वाले ऐसे युद्ध में श्री कृष्ण उन्हें क्यों भेज रहे हैं? दोस्तों, कितनी ही बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कर्म आखिर क्यों किया जाए। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी, समझने की जगह वे और भी ज्यादा उलझते जा रहे थे। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। अर्जुन कहना चाहते हैं कि उनकी दुविधा को दूर करके श्री कृष्ण उन्हें एक स्पष्ट बात बताए जिस पर वे चल सके। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बातें बताई है वे जटिल और गहरी है। ऊपर ऊपर से देखकर ऐसा लगता है कि यह सब ज्ञान की बातें हैं। इन बातों पर चले तो चले कैसे, और यही दुविधा अर्जुन की भी है और श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा, दो प्रकार के विश्वास है, जिसमें से एक है सांख्य योग जिसका संबंध ज्ञान से है, और दूसरा कर्म योग है जिसका संबंध सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था और पराकाष्ठा, अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा का ध्यान लगाना, ज्ञान योग से होता है और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। दूसरा है कर्म योग जिसका अर्थ है निष्काम कर्म करके फल में इच्छा न रखना। मनुष्य न तो कर्मों का शुरू किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल छोड़ देने से सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप कर्म करें ही न और खुद को सन्यासी कहें, ऐसे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। अपने कर्तव्यों को छोड़ यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्म योगी कहें। कर्म को न करने से या फिर उसे सदा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है कि हम चाहे या न चाहे कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म न करना भी कर्म करना ही है। जिस तरह से हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी कुछ भी रुकता नहीं है। सांसें चलती है, समय चलता है, जीवन का चक्र चलता रहता है, और जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और उसे समझ के उसे किया जाए। जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को ऊपर से रोककर परंतु अंतर्मन से हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, वह मिथ्याचारी अर्थात धोंगी कहा जाता है, यानी झूठा और घमंडी। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति खाना खाने से मना कर दे लेकिन अंदर ही अंदर खाने के बारे में ही सोचता रहे, तो ये किस तरह का उपवास हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, परंतु अगर उनके मन में अभी भी इस दुनिया के लिए इच्छा है तो श्री कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को वश में करके उनसे बिना लगाव लगाए कर्म करता है, वही कर्म योग का पालन करता है और वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को तो वश में करना ही है, लेकिन मन का उन इंद्रियों से किसी भी तरीके से लगाव नहीं होना चाहिए और उसे ही कर्मयोग माना जाएगा। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की बाधा आपको आपका कर्म करने से रोक नहीं सकती है, और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो फिर वह स्वादिष्ट खाने की खुशबू ही क्यों न हो, कोई रूपसी नारी ही क्यों न हो, आसपास का शोर ही क्यों न हो, हर बाधा आपको आपका कर्म करने से रोकेगी।
हे अर्जुन, तुम केवल कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है, और तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारा जीवित रहना भी तो संभव नहीं है, अर्थात तुम शास्त्र उठाओ और युद्ध करो, अपना कर्म करो, क्योंकि ये कर्म न करने से कहीं ज्यादा अच्छा है। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, परंतु उसमें से एक चुना हुआ है, उसी चुने हुए कर्म को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा, आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण पूरे समाज में भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं। यज्ञ वह होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है, इसलिए हे अर्जुन, तुम इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के निमित्त ही कर्म करो। यज्ञ अर्थात समाज की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ कार्य। हमको भी अपने कर्तव्यों को यज्ञ समझ के कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए, जिससे समाज का भला हो सके, इसे ही आप निर्धारित कर्म ही मानिए। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी प्रजा से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा इस वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्मकांड न समझकर उसका महत्व समझना चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का संगठित रूप है। संस्कार का अर्थ है कार्य करने का सबसे उत्तम तरीका। यज्ञ से हम हर विधि को या संस्कार को उचित तरीके से पूरा कर कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें राह दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो हमारा ध्येय जरूर पूरा होगा। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को देवताओं को खुश करना चाहिए, और वे देवता खुश होकर हम सब की भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ देवताओं को खुश करने का तरीका है, और उसके बदले में देवता आप सबको खुश रखते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसलिए काम को शुरू या कोई शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों या सही पद्धति के साथ किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच का एक माध्यम मान लीजिए, जिससे दोनों के बीच संबंध बना रहता है। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वे आपके बिना मांगे ही आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता और उस यज्ञ से देवताओं को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, उन्हें चोर समझना चाहिए। कुछ करने से कुछ मिलता है और कुछ देने से कुछ मिलता है। बिना अर्घ चढ़ाए या बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए, बिना कोई काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए, तो इसे बेईमानी या चोरी ही तो कहा जाएगा। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खाना खाकर जिंदा रहने और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाने के लिए ही पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब? अपने जीवन का उद्देश्य हमें समझना होगा। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं? क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, ये हमें समझना है, और वह समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ और ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, और वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्मों की उत्पत्ति वेदों से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेदों से ही तो आया है। कर्म क्या है उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया हुआ ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इससे ये सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र और प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलता, अर्थात जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापयुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसा इंसान सिर्फ इंद्रियों के वश में रहकर ही जिंदा रहता है, जीता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं है।
वेदों में और ग्रंथों में ज्ञान और नियम बनाए हैं, उनका मतलब है और उस मतलब के अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला, आत्मा में तृप्त और संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का अर्थ यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वो ही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है, बाकी हम सबके लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। संजय श्री कृष्ण के ज्ञान को हमें आगे बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो आत्मा को और सत्य को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं है। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया और ईश्वर को समझ चुके हैं। इनका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए ये महापुरुष हमारे जैसे लोगों से बिल्कुल अलग है। इन पर वे नियम लागू नहीं होते हैं जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे हुए लोगों में लागू होते हैं। दोस्तों, इसे कुछ ऐसे समझिए कि जिसे ईश्वर मिल गया हो, उसे फिर और क्या चाहिए, वो फिर कोई और कर्म क्यों करे। हे अर्जुन, इसलिए तुम अपनी आसक्ति और अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरीके से करते रहो। अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लग जाओ, क्योंकि आसक्ति से या लगाव से छूटकर जो भी अपना कर्म करता है, वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य की राह आसान नहीं होती है। कितनी ही बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर आराम करें, देर तक सोए या परिश्रम न करें, लेकिन उससे कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होता है, ऐसा श्री कृष्ण समझा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब हो, जन्म लेना, जिंदा रहना और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इस बेकार जीवन से बचकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आसक्ति से या लगाव से बचकर हमें अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष हमेशा आगे चलता है और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए आपको यह फैसला करना है कि आप आगे चलने वाले हैं या पीछे। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कहने का यह अर्थ है कि जो हमारे आदर्श होते हैं, हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। किसी भी क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं जो उसमें सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करती रहती है। आदर्श एक होता है और उसके अनुसरण करने वाले बहुत सारे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा इन तीन लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और न ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण से बड़ा कौन आदर्श हो सकता है, लेकिन वे भी कर्म करते हैं, वे भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वे खुद अर्जुन व पांडवों के साथ। जब श्री कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं और हम अपना कर्म क्यों न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हर श्री कृष्ण का अनुसरण करता है, और अगर आदर्श या भगवान ही कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य तो सब कुछ करना ही छोड़ देंगे। जो सबसे बड़ा होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है, सब उनका अनुसरण करते हैं। और अगर श्री कृष्ण यह सोचते कि मैं तो भगवान हूँ और मैं कर्म नहीं करूँगा, तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्म का पालन किया। कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटे। उनके पदचिन्हों में ही हमें चलना है और सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करनी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर श्री कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है, और जिसने ये खेल रचा है वही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा।
चाहे वह ईश्वर हो या साधारण मनुष्य, नियम तो सब पर ही लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वह श्री कृष्ण को भी करना पड़ेगा और हमें भी। हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती न वे कर्म में आसक्त होकर कार्य करते हैं। विद्वानों और समझदारों को बिना लगाव के कार्य करना चाहिए है। क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं? कर्म को सही विधि से करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कर्म करना, उसमें आसक्ति या लगाव नहीं करना है, और ऐसा करना आसान नहीं है। अगर ऐसा कोई ज्ञानी जिसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि कोई साधु या संत जिसका कि किसी कर्म से आसक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए। यह उनके लिए कहा गया है जो सोचते हैं कि दुनिया को छोड़कर सन्यासी बनने से उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ज्ञानी है और जिन्हें ईश्वर की सच्चाई ज्ञात हो गई है, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके कार्य करने के तरीके से किसी दूसरे के मन में कर्म को लेकर अश्रद्धा, अपमान ये सब पैदा न हो जाए। आप किसी ज्ञानी को देख ये सोच सकते हैं कि वे कुछ करते ही नहीं तो मैं भी न करूं। इसीलिए ये उन महापुरुषों और ज्ञानियों के लिए जरूरी है कि वे ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म और अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। दोस्तों, यदि किसी साधु को देखकर सब लोग अपना परिवार छोड़ सन्यासी बन जाएंगे तो दुनिया नहीं चल पाएगी। हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है और अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही वह कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वह ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ, अर्थात करने वाला मैं ही हूँ, और ऐसा सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करवाने वाली आपकी प्रकृति होती है और उसके गुण होते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता होगा कि गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे, वो आपका क्रोध आपसे करवा देता है। सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति क्या है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने बहुत ही गहरी बात कही है। सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन तरह की प्रवृत्तियां होती है। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इन्हीं गुणों के वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस या नींद या फिर इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसिक गुण वाला हर बात में बहादुरी और शौर्य दिखाएगा, और जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं। और हम जैसे ज्यादातर लोग जो ज्ञानी नहीं होते, वो समझते हैं कि सब कुछ वे ही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वे खुद कुछ भी नहीं करते। और ज्ञानी जब इस बात को समझ ले तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी अर्थात कि पहुंचे हुए लोग, ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं और बदलते रहते हैं, और इन्हीं के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसलिए वे उन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते हैं। वे बस कार्य करते हैं और बाकी सब ईश्वर को सौंप देते हैं, और हमें भी कार्य करके बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दो, आशा को छोड़, ममता को छोड़, दुख को दूर करके युद्ध करो। दोस्तों, अपने सारे कर्मों को हमें भगवान को सौंप देना चाहिए। कोई आशा नहीं, कोई ममता नहीं और कोई दुख नहीं, कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। तुम जाओ और बस युद्ध करो। इसी को आप सफलता का सार मान लीजिए। जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जीवन और मृत्यु के चक्कर से बचना, निष्काम कर्म का अगला कदम वही होगा। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा ही अनुसरण करेगा, वह सारे कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। जो भी कोई सुख दुख और मोह माया को छोड़ अपने कर्म को मुझ में अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है, वह कर्म के सारे बंधनों से छूट जाता है। और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता कि वही सब करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। श्री कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको अपने चारों तरफ कई सारे घमंडी दिख जाएंगे जिन्हें लगता है कि वे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अपने धन और घमंड के अहंकार में वे किसी की बात सुनने तक को तैयार नहीं होते हैं।
हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप उन्हें मूर्ख समझकर उनसे दूर ही रहें। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है, फिर इसमें किसी का हक क्या करेगा। श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, सभी उसी के चलते कार्य करते हैं। जो ज्ञानी है, जो सब कुछ जानते हैं, उनसे भी कार्य उनकी प्रवृत्ति ही कराती है, इसमें किसी का हट और जिद कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर आप कोशिश करेंगे कि किसी से उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध काम करवा लेंगे, तो आप सिर्फ अपना समय ही व्यर्थ करेंगे। इंद्रियों में ही प्यार और क्रोध या द्वेष छुपा है। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा होता है, अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी। अच्छे और बुरे दोनों भावों में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसी फंसने से ही हमारे मोह की शुरुआत होती है, और फिर इन इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते हुए चले जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते। काम, क्रोध, लोभ और मोह को हमें अपना शत्रु मानना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हर किसी को अपना कर्तव्य, अपना कर्म और अपना धर्म ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े तो भी अच्छा है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई बेहद कमजोर जिसे खुद पर विश्वास न हो, दूसरे के धर्म को अपनाता है, जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है, वह कभी किसी दूसरे धर्म को नहीं अपनाता। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य खुद न चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप का काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन एक अच्छा सवाल श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्यों मनुष्य श्री कृष्ण के बताए रास्ते के अनुसार नहीं चल पाता, क्यों वह पाप के रास्ते पर चल जाता है, ऐसा क्या हो जाता है लोगों के साथ कि वे पाप के रास्ते में चल जाते हैं। चाहे वे इस बात को जानते हो या नहीं जानते हो, वह क्या चीज है जो उन्हें विवश करती है, पाप के लिए उनका मन और बुद्धि किस बात को दोष दे। श्री भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और काम में से निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं है अर्जुन, बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि पापी आखिर पाप किस कारण करता है, किसी के पाप करने की वजह क्या होती है। वजह है रजोगुण, इसी के कारण काम, क्रोध, राग, द्वेष जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्व ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा हमारा ये ज्ञान ढका रहता है। राग जलती रहती है और उसके धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे में अगर धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। उसी प्रकार से ये जो काम, क्रोध जैसे विकार, ये जो कमियां है, ये हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को छुपा के रखती है। सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। ये कमियां हमारे अंदर के ज्ञान को छुपाकर पूरी तरह से हमें पाप करने में विवश और उत्साहित करती हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। हे अर्जुन, यह ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब काम है और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। जैसे अगर आग को अगर ईंधन मिलता रहे तो वो कभी बुझती नहीं है। जब आप इन भोगों को आप बढ़ाते हैं तो आप ईंधन ही डाल रहे हैं। काम, क्रोध, मद और लोभ, इन सब को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक रास्ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके घर कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोहित करता है। काम, क्रोध जैसे विकार कमियां इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहते हैं और ये इनके घर है जहां इनका निवास होता है। घर में रहकर ये कमियां घर के मालिक को मोहित कर उसे ही खत्म करने की कोशिश करती हैं। कुछ अच्छा देख मन में लालच आता है, काम पूरा न होने पर क्रोध आता है,
इसी तरह से ये कमियां हमारे दिमाग पर नियंत्रण करना शुरू कर देती हैं और हम हमेशा इनके वश में रहते हैं। हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को संयमित करो, इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दो। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इससे पहले कि ये काम क्रोध जैसे शत्रु तुम पर कब्जा कर ले, तुम अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम क्रोध को मार दो। ये काम और क्रोध ही है जो हमारे अंदर ज्ञान को खत्म कर उसमें शंका भरते हैं, हमें हमारे रास्ते से भटकाते हैं। कितनी ही बार आपको लगता होगा कि काम करते हुए सो जाए, बस आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर, बलवान और श्रेष्ठ कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां है। सही बात है कि किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश में कर लेती हैं, लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों का नियंत्रण कर सकते हैं और मन से बड़ी बुद्धि है। दोस्तों, ये गहरी बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी तक सबसे बड़ी है बुद्धि और बुद्धि से बड़ी आत्मा है, और इसी आत्मा को समझने का ये सारा खेल है। श्री कृष्ण अपनी बात को समझाते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को मानो, बुद्धि से अपने मन को वश में करो। हे महाबाहो, तुम इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। बुद्धि से मन को वश में करना है, और अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लेंगे। जब मन और इंद्रियां आपके वश में है तो उसका अगला कदम आत्मा के पास पहुंचना होगा। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है, और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। दोस्तों, ये था भगवद गीता अध्याय 3 जो था कर्म योग। इसके बाद हम गीता का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।